IMIM एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तान की सियासत में एक नया तूफान लाने जा रही है, यूं माने तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, इस आंधी के बारे में बताने से पहले MIM की शुरुआत कहां से हुई ये आपको बताएंगे। हिंदुस्तान की आजादी के बाद जब हैदराबाद में मुसलमानों के जुल्म को देखकर एक आवाज उठी कि अब हमारी भी कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, और ये आवाज उठाने वाले बहादुर यार जंग थे जिन्होंने मुसलमानों के मुस्तकबिल को अच्छा बनाने के लिए MIM को अमल में लाया। उनकी सदारत के बाद MIM की कमान को संभाला अब्दुल वाहिद ओवैसी ने। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने जब MIM की कमान को हाथ में लिया ही था कि जुल्म सितम के बादल उन पर टूटने लगे और कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल जाते समय उन्होंने MIM की सदारत अपने जवान बेटे सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी को दी। सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी वो शख्सियत थी जिन्होंने आंध्र प्रदेश के मुसलमानों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और उन्हें जेल भी जाना पड़ा सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए। हर लम्हा उन्हें आवाम की फिक्र होती। हैदराबाद यूं कहें तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक आवाज होकर लोकसभा में गूंजते रहे। जहाँ तक हमारा कहना यह है कि नाइंसाफी का ताल्लुक है, इसमें दो राय नहीं हो सकती, तो अब वो जमाना गुलामी का नहीं रहा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकत बनी हुई है। और अपने आखिरी लम्हात में उन्होंने MIM की सदारत और हैदराबाद की लोकसभा की सीट अपने शहजादे असदुद्दीन ओवैसी को सौंप दी। असदुद्दीन ओवैसी वो नाम है जिसने हिंदुस्तान की मौजूदा सियासत की नींद उड़ाकर रख दी है। किस बुनियाद पर हमारी डेमोक्रेसी काम करेगी? क्या इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों को लात मार कर निकाला? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी डरती है तो डरना पड़ेगा। याद रखो, तुमको मैं जब तक जिंदा हूँ तुमको डरा डरा कर गरीबों मजलूमों का काम करा कर रहूंगा। लोकसभा में मुसलमान, दलित और गरीब तबका के लिए जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा से अपनी आवाज को बुलंद करते आए हैं। हर मसले पर अपनी बात रखना और सिवा अल्लाह के किसी से नहीं डरना, सच को सच बोलना और कातिल को कातिल बोलना, ये असदुद्दीन ओवैसी और MIM के लोगों की पहचान है। जब भी कोई बात ये असेंबली या लोकसभा में रखते हैं, क्या मजाल कि वो अपने कदम पीछे ले लें। पार्टी अलग है, हुकूमत अलग है। अब आप हुकूमत में हैं, आपने दस्तूर पर हल्फ उठाया है, आपकी नजर में कोई सब बराबर है, तो क्या उनकी बात से मुत्तफिक है? मेरा चौथा सवाल उनसे ये है, सर मैं पूछना चाहता हूं जितने हिंदुस्तान में फसादात हुए उसकी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है? क्यों नहीं उसको लाया जाता? क्या ये मेरी बात सही नहीं है वजीर दाखला साहब कि भागलपुर के इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में जिस पुलिस वाले का जिक्र किया गया, क्या आ या हुकूमत ने उसको प्रेजेंट मेडल नहीं दिया? MIM हमेशा अपने कामों से पहचानी जाती है। हैदराबाद में MIM ने बहुत काम किया। कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल और हर तबकात में मुसलमान और गरीबों की कियादत करते आए हैं। इन सब तरक्कियाती कामों को अंजाम देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी जान की बाजी लगा दी। आवाम की खिदमत के लिए और मौत के मुंह से वापस आए। आवाम की दुआओं से अल्लाह ने उन्हें एक नई जिंदगी दी। अरे डरने घबराने वालों का नाम मजलिस नहीं है, ये जिस्म पे सीने पर तीन गोलियां खाई मैंने, 70 मर्तबा चाकू से मारे, इस हाथ पे 40 मर्तबा मारे, लेकिन उसके बाद भी अकबर ओवैसी मरा नहीं, खड़ा है यहां पे, और इसलिए नहीं मरा, शायद मुझे हिंदुस्तान को फतह करना है, शायद मुझे आपके दिलों को जीतना है। और वो आज
और जोरों शोर से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। इसका यही नतीजा है कि आज हिंदुस्तान ये कहने पर मजबूर हो गया है कि ये खानदाने ओवैसी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।